एचकेआरएम के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से एचकेआर पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो एचकेआरएम का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने, 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का, अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक। 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी, वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है, 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे, बल्कि शुरू में तो 40 और 50। जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, ग्रो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं, सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडज्वाइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडज्वाइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कंट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है, तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए हैं।